राम साथियों, आज आए हैं हम कपास के खेत में, वाइट गोल्ड जिसे कहते हैं। ये दूसरा खेत है जहाँ पर हमने कपास लगाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वाइट कॉटन का पौधा। मैं बताता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये छोटा पौधा है अभी, कहीं कहीं पे बड़े पौधे भी हैं। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे फूल भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आज चल रही है जुताई का, क्योंकि खरपतवार की समस्या मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फसलों में ज़्यादातर आती है, तो काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये बिना जुताई हुई लाइन इधर की साइड और ये जुताई करी हुई, तो इसमें आप खरपतवार देख सकते हैं किस प्रकार से ये खरपतवार पूरा ख़त्म हो जाता है। धूप इतनी गिर रही है कि ये आज एक दिन पानी नहीं आएगा तो ये पूरा जो खरपतवार है वो सूख जाएगा, और अपन को जो चारा ले जाना है वो वहाँ से, पापा खड़े हैं वहाँ से लेके, ये रास्ता है, ये कुआ है अपना, यहाँ से ये रास्ते होते होते वो बैड़ी पे अपन को ले जाना है। वो मेन रोड है अपना, वहाँ पर आप कॉटन में देख सकते हैं सीड फूल आने लगे हैं कहीं कहीं पे। इसमें अभी महुए बीमारी की थोड़ी सी, महुआ जिसे कहते हैं, महुआ, जिसमें ये पत्तियों पे देख सकते हैं आप कालापन या चिकटिया बोलते हैं, इसमें चिपचिपा होने लगता है, साथ में इसमें कीड़े लगते हैं। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में बहुत बारीक इंसेक्ट होते हैं। में तो उसके कारण से आज जुताई का कार्य काम चल रहा है। साथ ही आज हम ले जाएंगे बकरियों के लिए चारा यहाँ से, तो उसके लिए भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है, उठा के ले जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक। जैसा कि मैंने आपको बताया, बकरियों के लिए चारा ले जाना है। तो ये माथे पे आप बतानी गठरी देख पाते हैं या नहीं देख पाते, 15 से 20 किलो के एवरेज में वजन होगा इसमें। तो अब इसको ले जाते हैं, बैड़ी चढ़ना है, घाटी चढ़ना है अपन को थोड़ा सा, तो देखते हैं थक जाएंगे। कुआ मैंने बताया था आपको, कुएं में आप पानी भी देख सकते हैं। पानी है, इसको अभी पक्का करवाना है ताकि ये जो ढह के जाती है मिट्टी वो ना जाए। ये मलबा है कुएं का, ये वाला खेत है, उधर निंदाई नहीं हो पाई तो मक्की खराब हो गई। मकई मकई अब उस समय कुछ खास नहीं लगेगी वहाँ पर। इधर ये वाला कॉटन है, वाइट गोल्ड, ये रास्ता है। हमारे यहाँ जो बैलों को चलाते हैं या बैलों को जिससे बांध के जोतते हैं, इसे जोड़ा कहते हैं, ये इस प्रकार से दिखता है। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रास्ता इस प्रकार से है, थोड़ी सी घाटी है। थोड़ी सी नहीं, बहुत घाटी है अभी तो, ये इतनी बड़ी घाटी है। चूँकि कच्चा रास्ता है तो यहाँ से पिकअप और ट्रैक्टर नहीं चढ़ पाती है। आप इसको सही से देख तो नहीं पाएंगे शायद से, अब देखते हैं आगे। इसे खराब, अभी आधी घाटी बची है। आप देख सकते हैं कितना रास्ता अपन ने कवर कर लिया है। आपका जंगल देख सकते हैं आप, और अभी तो अपन चढ़ ही रहे हैं, अभी आधी घाटी तक पहुँचे हैं और आधी घाटी और बचा है। आगे का व्यू आपको मैं बताता हूँ आगे, ये किस प्रकार से एकदम खड़ी घाटी है। ऊपर से मैं आपको नज़ारा बताऊँगा, रास्ता बताऊँगा तो आप क्लियर वे में समझोगे। आप देख सकते हैं वो नीचे अपना खेत है, कहाँ से अपन आए, वो बेल रहे हैं अपन, वो जो गहरा हरा पेड़ दिख रहा है वहाँ से अपन आए हैं।
इधर से घूमते हुए, ये देखिए इस प्रकार से घाटी है और अभी घाटी बाकी है। अब आप देखेंगे घाटी जो है वो एकदम खड़ी है। आप सोच सकते हैं पिकअप या ट्रैक्टर ना चढ़े चढ़ पाने कितनी खड़ी घाटी होगी। इतना चारा है आप देख सकते हैं, इतना घास की खरपतवार आप बोल सकते हो, इतना घास उठा के लाए हैं। और कहाँ से उठा के लाए हैं आप देख सकते हैं, वो जो बेल है उसके उधर वाला जो पेड़ है वहाँ से अपन उठा के लाए हैं घूम के। ये घाटी है, ये चढ़ के लाए हैं। वो नीचे जो है दो अपने खेत है, कुआ अपना है। उसके बाद में ये आप जंगल देख सकते हैं आसपास कितना हरियाली है। और साथ ही ये मेन रोड है जो कि अभी अभी बना है, सीसी रोड है। गाड़ी हम वहाँ पर रख के आ गए हैं, तो वहाँ से अब गाड़ी लेके आना है। जो ऊपर कपास है, कॉटन दिख रहा है आपको, वाइट गोल्ड दिख रहा है, वो भी अपना है। साथ में ही वो जो मकई दिख रही है वो भी अपनी है, अपना ही खेत है। तो नीचे की तुलना में ऊपर की जो फसल है वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ की फसल कैसी है, दृश्य में कैसी है, मकई कैसी है, कपास कैसा है। साथ ही गाड़ी लेके वापस आएंगे हम, ताकि ये जो चारा है वो हम ले जा सकें अपनी बकरियों के लिए। चलिए वहाँ पर जाके देखते हैं। आप व्यू देख सकते हैं, ये पीछे का दृश्य है और वहाँ पर हम रख के आए हैं अपनी चारा। और आप सामने देख सकते हैं पहाड़ है, और पहाड़ जो है वो मांडू के पहाड़ है। मतलब यहाँ से मांडू जो है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अपन कभी भी विज़िट करने जा सकते हैं, साथ ही साथ कभी भी घूमने जा सकते हैं। तो अभी क्लियर तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन कभी जाना होगा तो मैं आपको मांडू के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। मांडू के बारे में भी मैं व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगा वहाँ की खासियत क्या है, किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार क्या क्या चीज़ें वहाँ पर, और वहाँ के जो महल वगैरह हैं याद है उनके बारे में मैं जानकारी दूँगा। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर नए खेत में, ऊपर वाले खेत में, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वहाँ की फसल कैसी है। देख सकते हैं ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर अपना खेत है, तो ये फसल आ रही है अपनी। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ कि फसल किस प्रकार से है, साथ ही मकई की फसल यहाँ पर कितनी अच्छी है, और साथ में कॉटन का जो वाइट गोल्ड होता है, कपास होता है, वो कितना प्यारा है और कितना अच्छा है, पौधा कितना अच्छा फैल, कितने अच्छे से फैल रहा है। साथ में ही आप देख सकते हो इसमें बीमारी का नाम नहीं है, और इसमें फूल भी आने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये, आप फूल देखिए, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर वे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। दो कलर के फूल आते हैं इसमें, ये अपना कॉटन है, ये अभी अपने घुटने तक की हाइट के हो गए, मतलब 2 से 3 फीट के एवरेज में हो गया है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, जैसे ये जो पौधा है ये अच्छा बना है तो ये अपनी कमर की हाइट का भी है। अब देख सकते हैं सामने हम जाते हैं अब मकई के खेत में भी है, तो इसलिए जुताई का काम चल रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में खरपतवार कितना नुकसान पहुँचाता है फसलों को। आप देख सकते हैं अगर अब हमने फसल डाली है, फसल में अगर खाद भी डाला है, तो वो जो खाद डालता है वो बेसल में डलता है। बेसल मतलब उसके आसपास का क्षेत्र है, उसके जड़ में। तो अगर जड़ में हम कुछ भी खाद डालेंगे तो वो लगेगा खरपतवार को। ये आप देख सकते हैं खरपतवार की कितनी ज़्यादा ये। तो अगर खरपतवार अगर हम बिन देंगे, अगर खरपतवार को अपन निकाल देंगे, तो जो पूरे पोषक तत्व है या पूरा जो खाद है वो लेगा पौधा, तो तब जाके वो कहीं जाके बढ़ेगा। तो उसके कारण से खरपतवार के लिए जुताई करनी पड़ती है। तो अभी इसमें निंदाई एक बार हो गई है, लेकिन एक बार फिर से अपन को निंदाई करवानी पड़ेगी, साथ में अभी 2 बार जुताई करवानी पड़ेगी ताकि ये बढ़ेगा अच्छे से। और साथ ही साथ हम आ गए हैं मकई के खेत में, भुट्टे आने वाले हैं, मतलब 8 से 15 दिनों में भुट्टे अच्छे आ जाएंगे। हालांकि भुट्टे अभी भरे नहीं हैं, भुट्टे आ गए हैं, लेकिन उसमें जो वन बोल सकते हैं दाने बन रहे हैं दूध के। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मकई का खेत है, मकई खेत है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो भुट्टे हैं वो भी बनने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं।
भुट्टे अभी कमज़ोर है क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो भुट्टे हैं वो बने नहीं हैं। आप देख सकते हैं जो मक्का है उसमें दो दो भुट्टे भी हैं कहीं कहीं पे। देखिए ये दो दो भुट्टे भी हैं कहीं कहीं पे, और काफ़ी अच्छे मक्का है फिलहाल में इसमें। अभी हमने आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा इंसेक्टिसाइड और इल्ली के लिए हमने स्प्रे करा था। आप देख सकते हैं इल्ली ने कितना नुकसान किया है। ये जो पत्तियां हैं ये खा जाती है, जो तना होता है उसको भी खा जाता है इल्ली। और ये देख सकते हैं आप इस पौधे में आप अंतर देख सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा नुकसान अभी भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें इल्ली रह गई होगी, इस कारण से ये हो रहा है। आप देख सकते हैं शायद से कोई सा वायरस भी है या कुछ है, मतलब शायद से इसमें इल्ली, या देख सकते हैं आप इल्ली के कारण कितना नुकसान होता है। आप देख सकते हैं इल्ली के कारण कितना ही नुकसान होता है मक्का में। ये देखिए जो पौधा है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। मैं आपको इल्ली दिखाता हूँ, इल्ली गिर गई है शायद से, या कहीं पे यहीं कहीं पे बैठी होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा पौधा जो है वो सड़ चुका है। आप ये देखिए आपको इल्ली दिखेगी, ये एक छोटी सी इल्ली और पूरी जो मक्का की फसल है वो नष्ट कर सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पूरा पौधा जो है सड़ चुका है। स्प्रे कर दिया था इंसेक्टिसाइड और इल्ली के लिए, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं पे रह जाती है। ज़्यादा स्प्रे भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जहर का काम करती है, सकते हैं लिमिटेड स्प्रे करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फसल अच्छी भी है, कहीं कहीं पे कीड़ा लगने के कारण से मकई की फसल जो हो गई ख़त्म हो गई है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे ये इस प्रकार से पूरा जो पौधा है वो पूरा ख़त्म कर दिया है इल्ली ने। अब ये पड़ोस में कॉटन। चलिए अब गाड़ी लेके हम चलते हैं, काफ़ी समय हो गया पापा के लिए, और खाना लेके भी आना है अपन को वापस खेत में। गाड़ी वो रही, चारा वहाँ पर है तो वहाँ पर लेके जाना है। आप देख सकते हैं सामने साकलदार का जो है तालाब है, काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से, काफ़ी प्यारा नज़ारा होता है यहाँ से। अब वहाँ पर हम गाड़ी ले जाएंगे, बांध दी है हमने ताकि जब ऊपर चारा रखेंगे मेन स्टैंड पे लगा के तो चारा जो है अच्छे से बांध लेंगे ताकि गिरेगा नहीं। घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है ताकि अपन को ले जाने में दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से हमने गाड़ी पर बांध दिया है रस्सी को, अब चारा रखते हैं। गेट से हमने बांध दिया है ताकि घर आसानी से चले जाए। चलिए अब घर जाके बकरियों को चारा डालेंगे। तालाब का कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर, और ये रास्ता है। अब तालाब देखिए, अभी ये पूरी तरीके से भरा नहीं है, भर जाने के बाद में यहाँ का व्यू, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका भी एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा मैं आपके लिए। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे और लाइक कमेंट ज़रूर करें। हम घर पहुंचने वाले हैं और ये है हमारे गांव का तालाब। ये मछलियां बाहर ना जाएं इसलिए जाली बांधी गई है, और आपको मैं ऊपर से रास्ता और व्यू बताता हूँ। इसको हमारे यहाँ पर सेड बोलते हैं, पाल भी बोलते हैं, और साथ ही आपके गांव में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस पे हम चल रहे हैं तालाब की, और ये तालाब का व्यू देख सकते हैं आप। हमारा जो गांव है वो तालाब और तालाब के बीच सेंटर पे है। वो मंदिर है हनुमान जी का, जय सियाराम। हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। ये हमारा घर है, पीछे पक्का मकान, ये कच्चा। ये एक बकरी, एक वो कालू, और ये दो बकरियां हैं हमारी, इनके लिए चारा आ गया है। चलिए अब हमारा काम करते हैं,
आप अपना काम करिए, तब तक बने रहिए चैनल पे, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस प्रकार का नया वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।